नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, लिवर सिरोसिस में आपकी जनरल खान पान और दिनचर्या और अपनी आप डे टू डे लाइफ कैसे लीड करें इसके बारे में। देखिए, लिवर सिरोसिस एक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है जिसमें लिवर ग्रेजुअली ख़राब होता है। लिवर सिरोसिस जिन कारणों से होता है उनमें मोटापे से होने वाला फैटी लिवर यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी सी यानी कि वायरल हेपेटाइटिस, ये तीन प्रमुख कारण हैं। और इसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और अन्य कई कारण इसमें आते हैं। तो लिवर सिरोसिस का पहला इलाज तो यह है कि जिस कारण से लिवर ख़राब हो रहा हो उसको कंट्रोल करना है। जब एडवांस्ड लिवर फेलियर होता है तो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेट में पानी भरने को असाइटिस कहते हैं, इसका मेडिकल टर्म असाइटिस है, हीमाटेमेसिस यानी कि खून की उल्टी आना और बेहोशी की हालत होना यानी कि इंसेफलोपैथी और जॉन्डिस और कोएगुलोपैथी, ये लिवर फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो इस बीच में जनरली हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए और हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, अपना काम जो आप करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है कई बार लिवर को ठीक करने में। देखिए, अभी न्यूट्रिशन होना कैसा चाहिए, प्रोटीन इंटेक इसमें ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन इंटेक हम कहते हैं कि आप लगभग 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो लगभग 90 ग्राम प्रोटीन हर रोज़ आपको लेना चाहिए। ये प्रोटीन इंटेक एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करें, यानी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स अगर हम देखें तो वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्सेस यानी कि दालें, पनीर, सोयाबीन, राजमा, ये अच्छे सोर्सेज हैं जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, एग, फिश, चिकन, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और लोग जनरली ऐसी चीज़ों में, लिवर डिजीज़ में, ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी है, जबकि फैक्ट इसका उल्टा होता है। कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी ये भ्रांति होती है कि अगर पेशेंट को बेहोशी की हालत आ रही हो तो हम उसका प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करें। ये एक पुरानी मान्यता थी, बट अब ये माना जाता है कि प्रोटीन बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए और प्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट पे लेना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको वेट कम करने की ज़रूरत है, फैट को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, 30% से ज़्यादा कैलोरीज फैट के जरिए नहीं आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, वेट को कम करने की ज़रूरत हो तो डाइट में गुड कैलोरी, हाई प्रोटीन इंटेक, फैट और कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट अमाउंट में, ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन लिवर सिरोसिस में डाइट का, न्यूट्रिशन का होना चाहिए। दूसरी इशू आती है कि अगर पेट में पानी भरा हो यानी कि एसाइटिस हो तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नमक को कम करना चाहिए। नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे, हम जब सिरोसिस में पेट में पानी भरता है तो उसको निकालने के लिए डायुरेटिक्स दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लैसिलेक्टोन, डाइटोर, ये बहुत सारे ब्रांड नेम से दो कॉमन नाम है ये, जिससे पेशाब बढ़ता है और ये स्वेलिंग कम होती है। तो इनका काम शरीर से नमक को निकालना होता है, एक कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण सॉल्ट रिटेन होता है बॉडी में, तो अगर हम सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो ये पानी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए असाइटिस, जब पेट में पानी भर रहा हो तो नमक की मात्रा को कम करने चाहिए। इसके अलावा हमारी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी, उसमें हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी, जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये जितनी आप अपनी वर्किंग डे टू डे में, अगर आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं। प्रॉब्लम जिस चीज़ों में आती है कि लिवर सिरोसिस में कई सारे मरीजों में एक तरह की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है जिसको हिपैटिक एंसेफलोपैथी कहते हैं। ये टाइम और प्लेस में डिसओरिएंटेशन होती है, कुछ मरीजों में ये मैनिफेस्ट होती है जिसको हिपैटिक एंसेफलोपैथी कहते हैं, और कुछ मरीजों में ये दिखती नहीं है बट वो स्लो नज़र आते हैं, इसको मिनिमल हिपैटिक एंसेफलोपैथी कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप जो दवाइयाँ हैं उसमें लैक्टुलोज यानी कि इंटेस्टाइन से जो बैक्टीरिया है उसको फ्लश आउट करना, जिससे अमोनिया कम हो सके, वो लेना ज़रूरी होता है। और खाने पीने में इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक्टिविटीज़ में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई मशीनरी ऑपरेट करते हो जिससे आपको हार्म होने की संभावना हो, तो शायद जिनको एंसेफलोपैथी हो चुकी हो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
ड्राइविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जिन पेशेंट्स को पहले इंसेफलोपैथी हो चुकी है उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि वो खुद ड्राइव ना करें, बट इसके बारे में कई सारी स्टडीज हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं आप ड्राइव कर सकते हैं अगर आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है वो आप पास कर जाते हैं तो। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अगर ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि ड्राइविंग ना करें, खास करके अगर पहले बेहोशी की हालत ज़्यादा आ चुकी है और कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को ना ऑपरेट करें। कई बार अकाउंटिंग का काम, पैसे का ये जो होता है गिनना, इन सब चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है, तो ऐसे जॉब्स वाले लोग थोड़ा सतर्क रहें। तो जनरली हम छोटे छोटे ये चेंजेस करके, प्लस न्यूट्रिशन प्लस वेट लॉस अगर एक्सेसिव है, देखिए 30% से 40% लोग आज के टाइम में जिनको लिवर सिरोसिस होता है मोटापे से, यानी कि नैश, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों से होता है, तो उनका वेट कम करना जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, सार्कोपीनिया यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लिवर को और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको बढ़ाती हैं, इसलिए आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, जिम के एक्सरसाइजेस, जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जो लाइट जो टॉलरेट कर सके वो जरूर करना चाहिए, और इसके अलावा जो विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करें वो ले सकें। तो इन छोटे डायट्री मैनिपुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस और जिन चीज़ों में आपको डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है उनको ये करके जो आप अपना डे टू डे लाइफ है उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं और कई चीज़ों में लिवर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं।